नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में निकली हुई भर्ती के बारे में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भर्ती निकली है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो रही है। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये जो भर्ती है हिमाचल प्रदेश में हो रही है और भी आगे जाकर बड़े विस्तार में जॉब के संबंधित पूरी जानकारी आपको बताएंगे ही। पर उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है आने वाले हैं, वरना आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है नहीं आएंगे और आप लेटेस्ट वैकेंसीज से वंचित रह सकते हैं। तो एचपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ये भर्ती जारी की गई है और पोस्ट का नाम है फॉरेस्ट गार्ड। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आप देख सकते हो 123 पोस्ट है। एग्जैक्ट कितने वैकेंसीज है बताया नहीं गया है। पे स्केल आपको 9,910 रुपीज पर मंथ मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 10th पास होना जरूरी है और 12th पास उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल है, यानी 18 से अधिकतम 30 साल के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल होने के कारण, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन अप्लीकेबल होने के कारण आपको आपके एज में भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के द्वारा होने वाला है। एप्लीकेशन फी एज पर रूल्स कहा गया है, तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के आधार पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फी पे करनी होगी। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने के लिए 14 जनवरी 2019 है और 14 जनवरी से 15 फरवरी 2019 तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, जितने जल्दी आपसे हो सके आप इस पोस्ट को अप्लाई करिएगा और आपका एप्लीकेशन निश्चित कर लीजिएगा, क्योंकि ये सुनहरा मौका वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपके पास 15 फरवरी तक टाइम है, जल्द से जल्द आवेदन करिएगा। अब हम देखेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ जारी की गई है इसमें क्या हमें डिटेल्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो धर्मशाला, कमीरपुर, कुल्लू, नाहन, रामपुर, सोलन, धर्मशाला, GHNP, शामशी, शिमला, इन जगहों पे ये भर्ती हो रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 123 पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो। और आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भर्ती हो रही है, तो सिलेक्ट होने पे आपकी जो पोस्टिंग है हिमाचल प्रदेश में होगी। तो हमारे जो भी उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से जल्द आवेदन करेगा। एग्जामिनेशन का शेड्यूल यहाँ पर आप देख सकते हो, इंटीमिडेशन, पुल सर्कल, एडवर्टाइजिंग प्रोसेस, ऐसी पूरे जो डिटेल्स है उसके डेट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन डेट्स से आपको अच्छी तरीके से जॉब के बारे में जानकारी पता चल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अच्छी तरीके से एडवर्टाइजमेंट डिटेल दिए गए हैं स्पेसिफिक सर्कल के पोस्ट के लिए। तो उन पर आप क्लिक कर यहाँ पर जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उस स्पेसिफिक पोस्ट की देख सकते हो और जो एचपी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है उसे अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी हमारे उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं देर ना करिएगा, जितने जल्दी हो सके इस पोस्ट को अप्लाई कर आपका एप्लीकेशन निश्चित कर लीजिएगा। और ऐसे जॉब्स की जानकारी आपको पाते रहना है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है आते रहेंगे, वरना आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है नहीं आएंगे और आप लेटेस्ट वैकेंसीज से वंचित रह सकते हैं। तो जल्द से जल्द आवेदन करें और आपका एप्लीकेशन निश्चित करिएगा। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपके पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा और आपके दोस्तों को भी जॉब के बारे में बताइएगा। न जाने आपका एक शेयर आपके दोस्त को गवर्नमेंट जॉब दिलाती तो जरूर बताएगा। हम आपके साथ मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।